दोस्तों आप में से काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे डिफरेंस बिटवीन रनिंग शूज एंड ट्रेनिंग शूज, और ये भी पूछ रहे थे आप में से काफी लोग कि क्या हम रनिंग शूज को ट्रेनिंग शूज की तरह यूज कर सकते हैं, क्या हम उसे जिम में यूज कर सकते हैं फॉर वेट लिफ्टिंग एंड अदर पर्पसेस। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ट्रेनिंग शूज एंड रनिंग शूज के बीच में और डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें रनिंग शूज लेने चाहिए या ट्रेनिंग शूज। तो अगर आप जिम करते हैं या फिर आप रनिंग शूज लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें ताकि जितना भी आपका कंफ्यूजन है दूर हो जाए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको रनिंग शूज लेने से पहले क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अगर जिम के लिए शूज ले रहे हैं, ट्रेनिंग शूज ले रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो क्या आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी जिम शूज को परचेस करने से पहले। दोस्तों अगर आप भी रनिंग शूज या ट्रेनिंग शूज लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सारी की सारी दूर हो जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको हेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर करें, जहां पे आपको डेली हेल्दी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रनिंग शूज की। बेसिकली दोस्तों जो रनिंग शूज होता है उसे डिजाइन ऐसे किया जाता है कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सॉक एब्जॉर्प्शन मिले, जिसमें आपको बेटर कुशनिंग देखने को मिलती है, मतलब उसकी कुशनिंग एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग शूज ज्यादा होती है। आप जब रनिंग करते हैं तो जो आपको शॉक लगता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी बेटर कुशनिंग, और आपको जिम शूज अगर लेना है तो वो आपको फ्लैट ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो रनिंग शूज होता है वो बेसिकली डिजाइन किया गया है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, क्योंकि से आपकी जो स्पीड है, जो आपकी पेस है वो ज्यादा इंप्रूव हो, इसलिए उसे फॉरवर्ड वन डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए ही बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए नहीं होता है वो। अगर आप रनिंग शूज को रनिंग के लिए पहनते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसी वजह से, अगर आप उसे ट्रेनिंग के लिए पहनते हैं तो आपको मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करने पड़ते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है और आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट सही से नहीं कर पाते हैं। वही दोस्तों रनिंग शूज में आपको ज्यादा मिडसोल देखने को मिलता है, काफी अच्छा आर्क सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं आपको ट्रेनिंग शूज में मीडियम देखने को मिलता है, इसमें आपको ज्यादा कुशनिंग नहीं मिलती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है रनिंग शूज और ट्रेनिंग शूज में। दोस्तों रनिंग शूज बेसिकली रनिंग के लिए ही बनाए जाते हैं, वो लाइट वेट भी होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेनिंग शूज। ट्रेनिंग शूज थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे ट्रेनिंग शूज हैं जो थोड़े लाइट वेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो ट्रेनिंग शूज होते हैं वो एज कंपेयर टू रनिंग शूज हैवी होते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो रनिंग शूज है उसकी कुशनिंग ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग शूज। का जो डिजाइन तैयार किया जाता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए किया जाता है जिससे आप लंबी दूरी तक अच्छी रनिंग कर पाए वन डायरेक्शन में। दोस्तों ये हुई बात रनिंग शूज की, तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक बेटर रनिंग शूज आपको कैसे चूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको बेटर रनिंग शूज चूज करना है तो सबसे पहले आपको देखना है उसकी कंफर्ट एंड फिटिंग। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है उसको पहनने के बाद, फिटिंग आपको प्रॉपर आती है, तो उसके बाद आपको देखना है उसकी कुशनिंग। अगर उसकी कुशनिंग अच्छी है, बेटर कुशनिंग आपको देखने को मिलती है, तो वो रनिंग शूज आपके लिए काफी ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि जब भी आप रनिंग करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग करते हैं, तो जो शॉक लगता है रनिंग के दौरान आपके लेग्स पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी मिडसोल अच्छी होनी चाहिए, उसकी ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी काफी अच्छी होनी चाहिए। जरूर ये देख लें कि वो ईवीए का बना हुआ है या रबर का बना हुआ है। अगर वो ईवीए का बना है तो आपको लाइट वेट देखने को मिलेगा, अगर रबर का बना है तो थोड़ा सा हैवी होता है एज कंपेयर टू ईवीए। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी की बात आती है वो बेसिकली रबर के जो आउटसोल होते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईवीए। इसके साथ ही आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका रनिंग शूज है वो लाइट वेट है या हैवी वेट। अगर आप लाइट वेट रनिंग शूज ले जाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आपकी पेस इंप्रूव होती है, आपको काफी अच्छा फील होता है जब आप रनिंग करते हैं। लेकिन अगर हैवी वेट रनिंग शूज के लिए जाते हैं तो आपको काफी दिक्कत होती है आपके पेस को इंप्रूव करने में, तो इसलिए आप जरूर देखें कि आप लाइट वेट रनिंग शूज के लिए जाएं। इसके साथ ही दोस्तों बेटर रनिंग शूज सेलेक्ट करने के लिए आपको ये जरूर देखना चाहिए जो आपका रनिंग शूज है हील टू ड्रॉप 10 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेटर कुशनिंग प्रोवाइड कराएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें जब भी आप रनिंग शूज परचेस करते हैं, तो ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए जिससे आप एक बेटर रनिंग शूज परचेस कर पाए। और अगर आप अच्छे रनिंग शूज के लिए जाना चाहते हैं तो वैसे ही मैंने काफी वीडियोस बना रखी है इस चैनल के अंदर, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं रनिंग शूज की, आपको अच्छे से अच्छे रनिंग शूज वहां पे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। पूरे के पूरे रनिंग शूज आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट प्राइस सेगमेंट के, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग शूज की।
जो ट्रेनिंग शूज होता है दोस्तों, वो बेसिकली जिम के लिए बनाया जाता है। उसका जो डिजाइन होता है वो वेट लिफ्टिंग के लिए होता है। उसका जो आपको कुशनिंग देखने को मिलेगा वो मीडियम होता है या उससे कम होता है। अगर ज्यादा कुशनिंग है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जब आप वेट उठाते हैं तो आप डिसबैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो ट्रेनिंग शूज होता है उसकी कुशनिंग को हार्ड रखा जाता है, उसकी कुशनिंग को मीडियम रखा जाता है, जिससे आपको कोई भी डिसबैलेंस ना हो जब भी आप वेट उठाएं। भाई दोस्तों, ट्रेनिंग शूज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आप फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं, बैक मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो आप हर टाइप का मूवमेंट कर सकते हैं और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू रनिंग शूज ज्यादा होती है। लेकिन जो ट्रेनिंग एंड रनिंग शूज का मेजर डिफरेंस है वो उसकी कुशनिंग का होता है, वो उसके डिजाइन का होता है। यहाँ पे आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि दोनों के जो पर्पस हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रेनिंग शूज पहन के आप रनिंग कर सकते हैं 10 to 15 minutes, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो एज अ ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। आप ट्रेडमिल पे भी रनिंग कर सकते हैं 10 to 15 minutes। लेकिन अगर आप रनिंग के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग शूज को पहन के रनिंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका नुकसान झेलना पड़ेगा नियर फ्यूचर। तो इसलिए आप अच्छा एक ट्रेनिंग शूज ले लीजिए अगर आप जिम करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं तो एक बेटर रनिंग शूज ले लीजिए। दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आप इंज्योर नहीं होना चाहते तो ज़रूर आप इनमें इन्वेस्ट करिए कुछ पैसा, जिससे आप एक बेटर ट्रेनिंग शूज़ एंड रनिंग शूज़ ले पाएं। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रेनिंग शूज़ लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान दें। सबसे पहले देख लीजिए उसकी कम्फर्टेबिलिटी एंड फिटिंग। अगर आपको कम्फर्टेबल आ रहे हैं वो ट्रेनिंग शूज़, फिटिंग उनकी प्रॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है कि जो उसका आउटसोल है वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, मतलब थिक होना चाहिए, क्योंकि जो उसका आउटसोल अगर थिक होता है तो वो बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा आपको, जिससे आपको जब भी ट्रेनिंग करेंगे, वेट उठाएंगे या फिर जिम करेंगे, तो आपके जो डिसबैलेंस का चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ ही जो उसकी मिडसोल है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, लो मिडसोल हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा उसकी जो कुशनिंग है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कुशनिंग होगी तो उससे आपकी जो बैलेंस है जब आप वेट उठाएंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इंजुरी तक हो सकती है। जरूरी देखना है कि स्टेबल होने चाहिए आपके ट्रेनिंग शूज, रनिंग शूज की तरह नहीं होने चाहिए जिनकी जो कुशनिंग होती है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भी देख लें कि जो आपका ट्रेनिंग शूज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट आपको करने होते हैं ट्रेनिंग शूज पहनने के बाद, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपका ट्रेनिंग शूज फ्लेक्सिबल हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस ट्रेनिंग शूज एंड रनिंग शूज में। क्या आपको रनिंग शूज पहन के ट्रेनिंग करनी चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं। क्या आपको ट्रेनिंग शूज पहन के रनिंग करनी चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं। मेरे पास आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो आपके डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेटर ट्रेनिंग शूज या रनिंग शूज में इन्वेस्ट करें, तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं। मैं वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। आप जाके वहां पे देख सकते हैं, बोथ ट्रेनिंग शूज एंड रनिंग शूज हमने कवर किए हैं। दोस्तों, ये थी वीडियो ट्रेनिंग शूज एंड रनिंग शूज के मेजर डिफरेंसेस की। आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछना ना भूलें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।